नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयानबाजी करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है उन्होंने। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा करने वाली बीजेपी के राज्य में आय नहीं है, लेकिन महंगाई दुगनी हो गई है और जनता वोट डालकर बीजेपी का सफाया करने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी के हटने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं और समय समय पर न्यायालय भी सरकार को निर्देश देते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार उन सभी निर्देशों का पालन करेगी। ऐसे में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी सरकार में आय नहीं है, महंगाई बढ़ी है, ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं। तो बता दें, इटावा में अखिलेश यादव ने ये बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और ऐसे में बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में आय महंगी हुई है, आय नहीं है और महंगाई जो है वो बड़ी है, जिससे जनता परेशान है। अब जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। कहीं राहत कहीं सख्ती। जी हाँ, देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,222 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 290 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,22,24,937 हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,52,864 हो गए हैं। ऐसे में आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,30,00,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,41,042 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश में पिछले दिन कोरोना वैक्सीन की 1,13,53,571 डोज दी गई थी, जिसके बाद टीकाकरण का कुल आंकड़ा करीब 90 करोड़ के तक पहुंच गया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,26,056 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद कल तक कुल 53 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। तो ऐसे में कोरोना की रफ्तार देश में एक बार फिर से थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन लापरवाही नहीं बरतनी है। अभी भी जो है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। तो बता दें, ऐसे में देश में कोरोना के मामले जो हैं वो घटते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में लापरवाही बरतने का समय नहीं है, क्योंकि लगातार तीसरी लहर की आशंका जो है वो जताई जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो है सितंबर और अक्टूबर के समय में ही आएगी और केरल में सबसे ज़्यादा इस वायरस का कोरोना के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसीलिए लापरवाही बिल्कुल बरतने का समय नहीं है, क्योंकि बार बार अंदेशा ये दिया जा रहा है, बार बार ये बातें की जा रही हैं, ये रिपोर्ट सामने आ रही है लगातार, जिसमें तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। हालाँकि आज जो बीते 24 घंटों के मामलों की बात कर ली जाए, उसमें केस ज़रूर कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन बीते दिनों की बात की जाए तो कोरोना के मामले जो हैं वो 40,000 के पार पहुंच गए थे। ऐसे में चिंताएं जो है वो बढ़ने लगी थी और सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो केरल से बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि लगातार केरल में मामले कम होने की बजाय हर बीते दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ाना 20,000 से 25,000 से ज़्यादा मामले केरल में सामने आ रहे हैं। तो बता दें, बीते 24 घंटे में कोरोना से 290 लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं।
चलिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी काजोल नारायण मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। काजोल, देखिए जिस तरह से देश में मामले तो कोरोना के कम हो रहे हैं, 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, 290 लोगों की जान गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोगों का जो लापरवाही वाला रवैया है वो देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए काजोल, लगातार ये बात कही जा रही है, ये जानकारी मिल रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन उसको लेकर सरकारें तो अलर्ट है, सख्त है, लेकिन जनता जो है पूरी तरह से लापरवाह है। देखिए पारुल, अगर देखा जाए तो बीते कई हफ्तों से मामले बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 40,000, 44,000, यहाँ तक कि 47,000 से ज़्यादा मामले जा चुके थे, लेकिन बीते 24 घंटे की बात की जाए, जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें मामले कुछ कम हैं। ये राहत की बात है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये पूरी तरह से राहत भी नहीं है, क्योंकि दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में विशेषज्ञ कह चुके हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। इसके अलावा जैसे कि आपने अभी केरल का मुद्दा उठाया, देखिए केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन लोगों की लापरवाही बहुत ज्यादा है, उसी वजह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में एक और वायरस की एंट्री हुई है, वो है निपाह वायरस, जिससे लोग डर रहे हैं, निपाह वायरस से एक की जान भी चली गई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एक तो कोरोना काल, दूसरा बरसात के मौसम में तमाम अन्य वायरस और तमाम वायरल भी होते हैं, तो ऐसे में लोग अपना बचाव बहुत अच्छे तरीके से करें, ये हिदायत दी जाती है, लेकिन लोगों की लापरवाही। देखिए अगर मैं बात करूं पारुल, दिल्ली की और नोएडा की, मैं रोज दिल्ली से नोएडा आती हूं और नोएडा से फिर दिल्ली जाती हूँ वापस अपने घर, लेकिन मैं इस पूरे रास्ते में ये देखती आती हूँ कि लोग किस कदर लापरवाह हैं, वो पर मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं बिल्कुल होता है। काजोल, और यही लोगों की लापरवाही है, और कहीं ये लापरवाही जो है लोगों की और ज्यादा केस न बढ़ा दे। काजोल मैं आपके पास लौटूंगी, लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ चुकी है। रूबी, देखिए जिस तरह से यूपी की बात कर ली जाए, यूपी में कोरोना के मामले बेशक कम होते जा रहे हैं, लेकिन और इसीलिए सरकार भी जो है ढिलाई दिन पर दिन देती जा रही है। अगर नाइट कर्फ्यू की बात कर ली जाए तो उसको एक बार फिर उसमें ढील दे दी गई है, 2 घंटे जो है समय बढ़ा दिया गया है, रात 11 बजे के बाद से ही नाइट कर्फ्यू लागू होगा, लेकिन सरकार तो ढील दे रही है, लोगों का लगातार लापरवाही वाला रवैया भी देखा जा रहा है, तो क्या सरकार को अभी भी सख्त रहने की जरूरत है? जी पारुल, सबसे पहले बता दूं, लखनऊ ने खासतौर से कई जगह पर रियलिटी चेक भी किए हैं, हॉस्पिटल भी गए हैं, या ये कह सकती हूँ आसपास के जो लोग हैं अभी भी उतने सजग और सतर्क नहीं है जो होना चाहिए, यानी कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर ऐसे में लोगों का जो रुझान है फिर मस्त मौला की तरह वो निकल रहे हैं, पहले की तरह समझ रहे हैं, लेकिन जो अभी कोरोना काल अभी भी चल रहा है, बहुत से लोगों का मानना है अभी ये है कि ऐसा कोई बीमारी अभी नहीं है, खत्म हो चुकी है, बहुत से लोगों का यही मानना है कि बीमारी अभी भी बाकी है, हमें खुद सतर्क रहना चाहिए। रही बात सरकार की, तो सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, जगह जगह पे कैंप लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम चालू करवा रखा है, और इसके साथ ही साथ कोरोना काल को लेकर वैसे भी विपक्ष ने अभी हाल ही में विधानसभा हुआ था उसमें हमला बोला था, तो अब योगी सरकार बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती ऐसे हालातों में, और लगातार योगी सरकार खुद पूरी तरीके से बागडोर अपने हाथ में दे रखा है उन्होंने, और टीकाकरण हो या फिर चेकअप हो, वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को लगा रूबी रहे हैं। रूबी, एक चीज ये भी यहाँ पर जानना चाहूंगी, देखिए योगी सरकार ने कोरोना पर बहुत अच्छे से काबू पाया था और अभी भी तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, सतर्क है, लेकिन अगर ये वायरल फीवर की बात कर ली जाए यूपी में, उसको लेकर तो इंतजाम जो है वो अस्पतालों में दिख ही नहीं रहे हैं। अब चाहे देखिए कोरोना के मामले बेशक यूपी में कम हो गए हैं, लेकिन ये वायरल फीवर जो है यूपी में एक नया वायरस बनकर उभर रहा है, सबसे ज्यादा मामले इसी के सामने आ रहे हैं, लोग इसी की चपेट में आ रहे हैं। पारुल, लगातार मामले जो है वो डेंगू हो, वायरल हो या टाइफाइड हो, कुछ डॉक्टरों से बात भी हुई थी, उनका भी ये मानना है सितंबर हो या अक्टूबर के महीने में इन टाइप की जो बीमारियां होती है, वायरल फीवर होते हैं, वो जरूर पनपते हैं, और ऐसे में कई हॉस्पिटल ऐसे हैं लखनऊ के, खासतौर से सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो वहाँ पे बेडों का इंतजाम करा दिया गया है, यानी कि सरकार ये बात खुद मान रही है कि अगर ऐसे हालातों में बीमारियां बढ़ेंगी उनसे निपटा कैसे जाए। कुछ जगहों पे मरीजों के कतारें भी लगती हैं, कुछ लोगों को अंदर एडमिट भी किया गया है, कुछ डॉक्टरों से बात भी हुई थी, उन डॉक्टरों का यही कहना था जो मरीज ठीक ठाक दिखते हैं उनको हम लोग घर रिफर कर देते हैं, और जो काफी सिक नजर आते हैं उनको एडमिट कर लिया जाता है। बिल्कुल रूबी, यहाँ मैं कुछ सवाल और पूछना चाहती हूँ आपसे। रूबी देखिए, आप लगातार फील्ड पर रहती हैं, और अगर रियलिटी चेक की बात की जाए, देखिए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, और दूसरा सवाल ये है कि आगे
जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात लगातार सरकार कर रही थी उत्तर प्रदेश में, उसके क्या हालात हैं? क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये जरूर देखा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारियां हो रही थी कि ऑक्सीजन प्लांट जो है और अस्पताल में लगे जाएंगे, वो ना तो अब तक पूरे हुए हैं, टीमें पूरी तरह से तैनात नहीं हुई हैं, टीमें डिसाइड तक नहीं हुई हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है पर्याप्त मात्रा में। काजोल देखिए, कहना बिल्कुल सही है क्योंकि कथनी और करने में काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि सरकार ने नोडल अधिकारी तैनात किए हैं, अधिकारियों ने नंबर चालू करवाए हैं, लेकिन दिखे नहीं है अभी तक, क्योंकि रियलिटी चेक में उन नंबरों को किया गया है कॉल, तो उन नंबरों पे कॉल जल्दी उठते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब लखनऊ की अगर हम बात कर रहे हैं तो कई ऐसे लोग हैं जहाँ पे पहले मास्क को लेकर जुर्माना कटता था 500 रुपया, फिर उसके बाद उस जुर्माना को बढ़ा दिया गया, 1000 रुपया कर दिया गया, लेकिन अब हालात ऐसे हैं जब जुर्माना खत्म हो गया तो मास्क उतर गया, यानी कि जो लोग हैं वो खुद ही सतर्क नहीं है, और ऐसे में लोग एक चिंता जता रहे, यानी कि सरकार की तरफ से चिंता जताने की कवायद नहीं होनी चाहिए, जनता को भी खुद होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमें सतर्क रहना चाहिए। और रही सरकार की बात, सरकार ने दावे जो किए हैं वो कुछ जगहों पे फीके जरूर नजर आ रहे हैं, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कहा यही किया था कि फ्री के कैंप लगेंगे कुछ जगह पे, तो यानी ये कहा जा सकता है कि सच्चाई ये है कि जो वादे किए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो अभी तक धरातल पर ठीक तरीके से नहीं उतर पाएंगे। रूबी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप फील्ड में रहती हैं, आप धरातल पर रहती हैं, आपको पता है कि किस तरह की भीड़ भाड़ है, किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे हालात है उत्तर प्रदेश के, क्या उत्तर प्रदेश के लोग सतर्क हैं आने वाले तीसरी लहर को लेकर, और दूसरी लहर तो अभी खत्म नहीं हुई है, किस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और प्रशासन कितना मुस्तैद है गाइडलाइंस को फॉलो करवाने में? देखिए काजोल, प्रशासन और सरकार दोनों एकजुट हो चुके हैं, क्योंकि अभी डीएम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, नोडल अधिकारी के साथ बैठते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, लेकिन अब बात रही खुद की या जनता की, तो चाहे जिला हो या लखनऊ हो, इन सभी जगहों पे ये जरूर देखा गया, अभी भी लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है, बहुत से लोगों का अभी भी मानना है, चाहे खास तौर से निचले तबके की अगर बात करते हैं, रिक्शे वाले हो, ठेले वाले हो, टेम्पो वाले हो, इन सबों के अभी भी मास्क देखना, यानी कि नदारत रहते हैं, वो दिखते नहीं है, तो ऐसे में खुद को सचेत होना या खुद वो उन चीजों को मानना की बात। रूबी, और यहाँ एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ दिनों पहले ये जानकारी मिली थी कि अब जो नाइट कर्फ्यू है उत्तर प्रदेश में, उसका टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो पहले 10 बजे से था अब 9 बजे से कर दिया जाएगा, लेकिन खासा कुछ ऐसा असर दिखाई नहीं दे रहा है, बाजार खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, पुलिस प्रशासन जितना मुस्तैद 2020 में था या फिर अप्रैल मई में था 2021 में, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या ये लापरवाही आने वाले समय में भारी नहीं पड़ेगी अगर ऐसे ही हालात रहे तो? बिल्कुल काजोल, सही कहा, लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो कोरोना के इधर गिरावट देखने को मिल रही है उसको लोग लेके अब बिल्कुल चिंता मुक्त हो चुके हैं, तो ये कह सकते हैं कि लोगों में खुद जागरूक होना चाहिए और खुद ये सोचना चाहिए हमें लड़ाई से खुद लड़ना है, यानी कि ये लड़ाई हमारी खुद की है। और दूसरी बात, यहाँ पे लखनऊ में लगातार पहले कर्फ्यू को लेकर टाइम रखा गया था 10 बजे, अब वो 10 बजे से हटा के 11 बजे कर दिया गया, यानी कि ढील भले ही दी जा रही है लेकिन जो लोग हैं वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, खुद सजग होना चाहिए, खुद सक्रिय होना चाहिए कि इस बीमारी से हमें खुद लड़ना है। अब ऐसे भी सरकार के तरफ से हुतर बजा के रात में 10 बजे के बाद पुलिस यहाँ पे जो मेन मेन जगह है वहाँ पे हुतर बजाया जाता है, उन जगहों को बंद करवाया जाता है, जो दुकानें उनको बंद करवाया जाता है, तो ये जबरदस्ती की जाती है कि हाँ अब आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि शासन लगातार निर्देश दे रहा है, प्रशासन को उस पर अमल करने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है, लेकिन प्रदेश की जनता को भी उतना ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है जितना होना चाहिए, लेकिन लापरवाही लगातार पड़ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रूबी हमारे तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, कोरोना के जो मामले हैं वो बीते 24 घंटे में तो कम हुए हैं, लेकिन उसे हम शून्य नहीं कह सकते क्योंकि वो आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, लेकिन बीते कई हफ्तों से मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम राज्य ऐसे हैं जो थोड़ी सी ढिलाई दे रहे हैं, तमाम राज्य ऐसे हैं जो सख्ताई दिखा रहे हैं, लेकिन अभी से ही हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम सावधान नहीं रहते तो आने वाले समय में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मामले आगे चल के गंभीर हो सकते हैं। और जिस तरह से वायरल बुखार अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है और तमाम राज्यों से जो अलग अलग वायरस निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर निपाह वायरस की मैं बात करूं, केरल में जो सामने आया है उसमें भी हमें
सावधान रहने की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल अभी खोले गए हैं तो आगे डर है कि आने वाले समय में कहीं ये जो तीसरी लहर है वो ना आए और बच्चों को अपनी चपेट में ना ले ले। अभिभावकों में भी वो डर लगातार बना हुआ है, तो इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है कोरोना से जुड़ी तमाम राज्यों की, और जितने भी आंकड़े रोजाना आते हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आप तक पहुंचाता है और लगातार आपसे अपील करता है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है, अपने बच्चों पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। ये तमाम बातें हम लगातार आपसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी पारुल भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पारुल, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप जिस तरह से लगातार संवाददाताओं से जुड़ी हुई हैं, आप जिस तरह के सवाल उनसे कर रही हैं, क्या लगता है पारुल कि मामले आने वाले समय में कम होंगे या फिर लोगों की लापरवाही बढ़ती है तो एक गंभीर स्थिति हो सकती है? देखिए काजोल, अगर लापरवाही की बात की जाए, अगर लापरवाही लोगों की इसी तरह से बनी रहेगी, बढ़ती जाएगी जिस तरह से अब सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर मामले जो हैं वो और आने वाले दिनों में बढ़ते हुए जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी भी ये मौसम जो है ये बदलाव वाला मौसम है, ऐसे में इस मौसम में तमाम बीमारियां जो हैं वो अपने आप ही आती हैं, हर साल तमाम बीमारियां इस मौसम में होती हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोरोना को लेकर लोग जो है लापरवाह होते हुए नजर आएंगे, लोग सख्ती से गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो मामले जो हैं वो बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ऐसे में काजोल कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए केरल की बात कर लीजिए, केरल में भी यही हो रहा है, वहां पे त्योहार था उसको लेकर बाजार खोल दिए गए थे, 2 से 3 दिन के लोगों को छूट दे दी गई थी, मार्केट खोल दिए गए थे, तो इसीलिए मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखिए हम इधर की बात कर ली जाए, पश्चिमी यूपी या फिर दिल्ली आसपास के इलाकों की बात कर ली जाए, तो इधर भी देखिए अब त्योहारों का सीजन जो है वो आने वाला है, अगले महीने से ही तमाम त्योहार जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर गाइडलाइंस का लोग पालन नहीं करेंगे, और देखिए काजल सरकार चाहे कितना भी समझा ले, सरकार चाहे लोगों से कितनी अपील कर ले, ये हम आम लोगों को आम जनता को खुद से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे, अगर आप सरकार के बनाए गए प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करेंगे, गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में स्थिति जो है वो फिर से एक बार वही दिखेगी जब मामले बढ़ते हुए जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप लगातार गई थी, आप फील्ड में भी गई थी, आप जब अप्रैल मई में हालात बहुत बद से बदतर थे दूसरी लहर के, आप गई थी, आप लोगों तक पहुंची और किस तरह के हालात थे वो देखे नहीं जा रहे थे। ऐसी स्थिति भारत में दोबारा ना आए इसको लेकर लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं, लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन पारुल, जिस तरह से लोग लापरवाही करते हैं, देखिए आप भी मेट्रो में जाती हैं, मेट्रो में काफी ज्यादा प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है, लेकिन जब आप मेट्रो तक ऑटो लेती हैं तब बहुत ज्यादा लापरवाही देखने के लिए मिलती है। जी बिल्कुल काजोल, देखिए मेट्रो का आप जिक्र कर रही हैं, मेट्रो में देखिए जब मामले दिल्ली में कम हुए तो मेट्रो में भी प्रोटोकॉल्स का जो है वो कह दिया गया कि अब कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं, यही वजह है कि एक बार फिर से मेट्रो में जो है भीड़ देखने के लिए मिल रही है, लोग ज्यादा संख्या में मेट्रो में देखने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक खतरे की घंटी है कि अभी से अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आगे आने वाले समय में मामले ना बढ़ जाए। काजोल, मैं आपका रुख करूंगी, आपको रोकना चाहूंगी, गुजरात से हमारे ब्यूरो प्रणव सिंह राजपूत हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। प्रणव, गुजरात की बात कर ली जाए, कोरोना के मामलों में अभी स्थिति कैसी है, क्या लोगों को वैक्सीन जो है वो पूरी तौर पर दी जा चुकी है, कितने परसेंट लोगों को दी जा चुकी है, मामले किस तरह से सामने आ रहे हैं? जी हाँ, जिस प्रकार से गुजरात की बात की जाए तो वैक्सीनेशन हर दिन हर एक सेंटरों पे चालू है, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना जो जनता है वो कर रही है जी। क्योंकि काफी जगह पे ऐसा होता है कि वैक्सीन कम आती है, काफी लोग सुबह से टोकन लेके खड़े रहते हैं, लेकिन काफी लोगों को वैक्सीन नहीं भी मिलता है और काफी नाराज होके काफी रोष के साथ लोग घर पे वापस जाते हैं। दूसरी बात है कि कोरोना के जो मामले हैं लगातार कम होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2-3 दिन से फिर से गुजरात में कोरोना के जो मामले हैं वो संख्या में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल प्रणव, ये मामले जो बढ़ रहे हैं कोरोना के, गुजरात की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये लोगों की लापरवाही है? क्योंकि देखिए लगातार तीसरी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सितंबर या फिर अक्टूबर में आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जो लापरवाही वाला रवैया है वो देखा जा रहा है, तो क्या प्रशासन, क्या गुजरात सरकार अलर्ट है, क्या सतर्क है, तैयारी कैसी है सरकार की? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गुजरात की जनता की बात ले जाए तो लापरवाही तो 100% श्योर लापरवाही जनता कर ही रही है, क्योंकि गुजरात सरकार ने सभी जगहों को खोल दिया गया है, जो प्रवासन है वो सभी जगहों को खोला है, मल्टीप्लेक्स थिएटर खोल दिए गए हैं, सभी
जो हॉपी से 100% के साथ खोले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो बाजारों है, जो खरीदी करने का जो माहौल है, ये कहना सही होगा कि मामलों में जब एक बार गिरावट आ जाती है, प्रणव, जब मामलों में एक बार गिरावट आ जाती है तो सरकार की तरफ से छूट जो है वो पूरे तौर पर दे दी जाती है और सिनेमा हॉल खोल दिए जाते हैं, मल्टीप्लेक्स खोल दिए जाते हैं, तमाम चीजें जो है वो खोल दी जाती है, लेकिन उसके बाद लोगों की जो सावधानी, लोगों की जो लापरवाही है वो सामने देखी जाती है और यही नतीजा शायद होता है कि दो बार देश ने कोरोना की दूसरी लहर को सामना दूसरी लहर का किया है और अब तीसरी लहर का भी लोगों की लापरवाही की वजह से करना पड़ सकता है। जी हाँ, जिस तरह से लापरवाही जो बढ़ती जा रही है, लोग घर से बाहर निकलते हैं और भीड़ उमट बैठ के सर, जिस प्रकार से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और काफी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, और अभी गुजरात में देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन है किसी प्रकार का जो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, वो प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही करती हुई नजर आ रही है और लोग उनका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणव, देखिए जैसे कि आपने बताया कि तमाम सेंटर्स खोल दिए गए हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। देखिए वो तो हमने जब पहली लहर आई थी ना कोरोना की, जब कोरोना भारत में एंटर किया था तब भी हमने देखी थी, लेकिन दूसरी लहर में सारी पोल खोल कर रख दी थी, तीसरी लहर में ऐसा ना हो इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। देखिए अगर बात की जाए, जैसे कि मेरी सहयोगी ने अभी कहा कि मल्टीप्लेक्स खोले गए हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, देखिए आर्थिक व्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई थी, इसको वापस पटरी पर लाने के लिए आम जनता त्रस्त थी, उनको रोजगार देने के लिए और किसी भी वर्ग को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से धीरे धीरे एक एक करके पाबंदियां हटाई जा रही हैं, लेकिन शायद लोग जो हैं वो लापरवाही इतनी बरत रहे हैं कि वो पाबंदियां फिर से लग सकती हैं। ऐसे में आप ग्राउंड पर रहते हैं, अगर आगे चलकर तीसरी लहर आती है, पाबंदियां लगती हैं, तो लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लोग तो लापरवाही लगातार दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से सभी जगहों को खोला गया है सरकार की ओर से और लापरवाही तो देखने को मिली ही है, लेकिन जो तीसरी लहर की बात कर ले तो तीसरी लहर आ सकती है और आने वाली भी है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो कोरोना के केसेस कम होते जा रहे थे वो लगातार अभी 2-3 दिन से आंकड़े जो है वो गिर रहे थे, वो आंकड़े बढ़ रहे हैं और काफी जो लापरवाही के हिसाब से अभी जो गुजरात की बात कर लूं तो दूसरे जो रोग है, जो सर्दी जुकाम है वगैरह, काफी रोग जो है डेंगू वगैरह है वो भी काफी बढ़ चुके हैं और लोग हॉस्पिटल जो है अस्पतालों है पूरी भरी पड़ी हुई है। बिल्कुल, यानी प्रणव ये कहा जा सकता है कि कुछ तो प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, दूसरा यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि लोग भी लापरवाह हैं और इसी वजह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े अब डरा रहे हैं। प्रणव बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो गुजरात में भी हालात जस के तस बने हुए हैं, बीते कई दिनों से मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दूसरी लहर में जो हाल हुआ था वो तीसरी लहर में भी हो सकता है। देखिए सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अगर वैक्सीनेशन की मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा है भारत में, करीब 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। मैं ये नहीं कह रही कि दोनों डोज लग चुकी है, लेकिन एक एक डोज जो है वो 70 करोड़ लोगों को लग चुकी है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। तो ऐसे में हमें समझने की जरूरत है कि 130 से ज्यादा करोड़ की आबादी की जनसंख्या है भारत की और यहाँ पर अगर इतनी अच्छी तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो हमें भी योगदान देने की जरूरत है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक है, भारत को उस स्थिति में नहीं पहुंचा रहे हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई है, बहुत पीछे हम चले गए हैं, लेकिन यहां पर मुसीबत में भी अवसर बनाना बेहद जरूरी है। चलिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से देखिए कोरोना के मामले अब एक बेशक 24 घंटे पहले की बात कर ली जाए तो कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो मामले लगातार कोरोना के बढ़ते हुए नजर आए थे। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में अभी स्थिति कैसी है, कितने मामले सामने आ रहे हैं लगातार? सुभाष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है। जी सुभाष, मैं ये जानना चाह रही थी, देखिए कोरोना के मामले जिस तरह से देश में बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की अभी स्थिति कैसी है? उत्तराखंड में बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए तो कितने मामले सामने आए हैं? जी बिल्कुल, अगर उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 25 नए पॉजिटिव मामले प्रदेश में पाए गए हैं और इसके साथ ही अगर रिकवरी रेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग
35 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो कल ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो अभी बेहद कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो तैयारियां हैं वो अभी से ही की जा रही है, क्योंकि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार चाहती है कि किसी तरीके की कोई गलती सरकार से ना हो, जिस तरीके से दूसरी लहर में एक बड़ा खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ा था और स्वास्थ्य महकमे को भी कहीं ना कहीं काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। सुभाष देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं मामले तो कम हो रहे हैं उत्तराखंड में, ये अच्छी भी और राहत की बात जरूर है क्योंकि मामले कम हो गए हैं उत्तराखंड में। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए, जिस तरह से देखिए कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे तमाम राज्यों में, तो उसको लेकर अभी स्थिति कैसी है? तीसरी लहर अगर आती है तो सरकार किस तरह से तैयार है, कितनी तैयार है, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह कितने लग चुके हैं? जी बिल्कुल, तैयारियों की अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो सरकार लगातार जो ऑक्सीजन प्लांट है उनको लगा रही है, और खासतौर से सबसे महत्वपूर्ण जो हॉस्पिटल है उत्तराखंड के लिए सरकार की दृष्टि से, उसे कहा जा सकता है कि वो राजधानी देहरादून का दून हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन प्लांट है वो पहले से ही एक प्लांट मौजूद था, और एक और अन्य प्लांट भी अस्पताल में बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि पहाड़ में जो लोग बीमार होते हैं जिनको कोरोना होता है, उन लोगों को भी अपने इलाज के लिए राजधानी देहरादून में आना पड़ता है या फिर बड़े शहरों में जाना पड़ता है, चाहे वो हरिद्वार की बात कर ली जाए, चाहे वो हल्द्वानी की बात कर ली जाए, ये बड़े शहरों में आकर वो अपना इलाज कराते हैं। लेकिन पहाड़ में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग की, वो तैयारी अभी पहाड़ बिल्कुल सुभाष, जैसा कि आपने बताया कि अभी वो तैयारियां पहाड़ों में नहीं है जो होनी चाहिए। सुभाष, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है पहाड़ों में वो कैसी देखी जा सकती है कि पहाड़ों तक मेडिकल सुविधाएं ही बमुश्किल पहुंच पाती हैं, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसी है वहां पर? वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन उत्तराखंड में बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है, और ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन पहाड़ के उस दूर दराज गांव के व्यक्ति को भी उत्तराखंड में लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहाड़ में जनसंख्या बहुत कम है और कम जनसंख्या में बेहतर सुविधा सरकार पहाड़ों तक वैक्सीन की दे रही है। और ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन की दृष्टि से उत्तराखंड में किसी प्रकार कोई दिक्कतें नहीं आ रही, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि यदि कोरोना फिर पहाड़ में अपने पैर पसारता है तो इलाज की व्यवस्था अभी बेहतर रूप से पहाड़ों में नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से दूसरी लहर में खामियाजा सरकार और स्वास्थ्य विभाग को भुगतना पड़ा था, ऐसी खामियाजा उन्हें तीसरी लहर में ना भुगतना पड़े, इसके लिए तैयारियां स्वास्थ्य विभाग कर चुका। और ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन के जो बेड हैं वो बहुत अधिक संख्या में राजधानी देहरादून के अस्पतालों में तैयार कर दिए गए हैं, हरिद्वार के अस्पतालों में तैयार कर दिए गए हैं, उधम सिंह नगर के अस्पतालों में तैयार कर दिए गए हैं, और हल्द्वानी के अस्पतालों में तैयार कर दिए हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि पहाड़ को जो जिला अस्पताल है उसमें भी व्यवस्थाएं बनाई जाए। बिल्कुल सुभाष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम संवाददाताओं से हमने बात की है, क्या हाल है उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, गुजरात के, दिल्ली के, वो हमने जानने की कोशिश की है। लेकिन आपसे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, दूसरी लहर ने देश के लोगों को बहुत रुलाया है, कईयों ने अपने को खोया है, तो तीसरी लहर अगर आती है तो वो व्यवस्थाएं पूरी हो जो होनी चाहिए। सरकार से यही गुहार हम लगा रहे हैं, प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि सरकार के जो निर्देश दिए गए हैं उन पर अमल किया जाए। साथ ही साथ आम जनता से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ रहिए, अपनों को और ज्यादा सुरक्षित रहने की हिदायत दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।